आज के पंचायत एक्सप्रेस में हम बात कर रहे हैं उम्र से ज्यादा लोकप्रियता हासिल करने वाले सारण जिला अंतर्गत तरैया विधानसभा के युवा समाज सेवी बिक्कू सिंह के बारे में, जिसने जीत लिया जनता का विश्वास। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ पारितोष कुमार और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर पंचायत एक्सप्रेस। आज के इस खास कार्यक्रम पंचायत एक्सप्रेस में हम रुख कर रहे हैं सारण जिला अंतर्गत तरैया प्रखंड के युवा समाज सेवी बिक्कू सिंह के बारे में। आपको बता दें कि कर्मठ और हरदीर अजीज यह युवा धनवीर कुमार सिंह उर्फ बिक्कू सिंह का नाम आज जिले के लगभग सभी युवा और आम जनता के जुबान पर है। आखिर हो भी क्यों ना, समाज सेवा करते हुए आम गरीब जनता में खास पहचान स्थापित करने वाले बिक्कू सिंह ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने खास तौर पर आम गरीब निस्सहाय जनता के लिए अपनी छोटी सी उम्र में ही हर संभव सेवा देने का प्रयास किया है और एक क्षेत्र में विकास का संकल्प लिया है। हमेशा से दिन दुखियों के दुख में सहायता करने वाले युवा बिक्कू सिंह राजनीतिक स्तर पर भी बेहद सक्रिय हैं और समय समय पर जरूरतमंद लोगों को मदद करने हेतु तत्पर रहते हैं। आपको बता दें कि इनके दादाजी रामेश्वर सिंह 20 साल तक डुमरी पंचायत के मुखिया रहे। वर्तमान में भी इनकी माता कमल देवी डुमरी पंचायत से मुखिया की बागडोर संभाल रही हैं और अब बिक्कू सिंह की सामाजिक सक्रियता ही है कि माधोपुर पंचायत से समिति का चुनाव जीतकर इनकी पत्नी तरैया से प्रमुख बनने का मिशाल कायम किया है। कुल मिलाकर बीते दशक से इनका परिवार समाज सेवा में तल्लीन रहा और बेहतर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा, स्वरोजगार और एक क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर युवा समाज सेवी बिक्कू सिंह और इनकी माता मुखिया कमल देवी जाति धर्म से ऊपर उठ मानवता के उत्थान के लिए तत्पर सच्चाई के साथ जनता की सेवा में लगे रहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पारितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।